भिकनगांव के महिला बाल विकास कार्यालय में एक अनोखी बात सामने आई है, जहां ग्राम मालथेड़ा एतवासा की कार्यकर्ता पिछले 6 माह से अपने वेतन के लिए भटक रही थी। महिला जब कार्यालय में गई तो बाबू ने एक अजीब सी बात कही। बाबू ने कहा कि आपकी उम्र हो गई है या रिटायर हो गए हैं, आप यदि 40,000 रुपये दोगे तो 2-3 साल और बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि कार्यकर्ता से सेवानिवृत्त में 4 वर्ष के लगभग और बाकी है। कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू की लापरवाही कारण आज एक गरीब महिला कार्यकर्ता परेशान हो रही है। ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू पर कार्रवाई होगी या लिवापीति कर दी जाएगी, कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें शामिल होगा, वरना इतना बड़ा फैसला अकेले बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर के बस में नहीं है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मालथेड़ा की हूँ, पंचायत एक तासा की। तनख्वाह मेरी जमा अभी ये कार्यकर्ता की हो गई, मैं गई बैंक में, मेरी तनख्वाह 2 महीने से हुई नहीं। इनको बोलते बोलते मैं आए कि भाई हमारी तनख्वाह नहीं जमा हुई, तो इन्हें कही गयो कि माई हो जाएगा। ऐसा करता करता 3-4 महीना हुई गया, फिर बाबू का पास आए तो बाबू का कि दिनेश का पास जाओ, तो दिनेश को बोला चाहते कि माई पैसा लगेगा, तो मन के हम सर से बात करूँ, तो सर का पास गई, तो सर गेट का पास गई ना, मक वहाँ रोकी थी कि वहाँ सर ने गेट का ऊपर खड़ी कर दी, अंदर मक जान नहीं थी सर न। फिर मैंने कहो कि फिर वो कही दिनेश का कि दिनेश इधर आ, कही कि कार्यकर्ता का क्या है, तो कही कि दिनेश आया, तो फिर उसने बोला कि माए कह कि तुमको तो कह के पैसा लगेगा, कह के मैंने कितना लगेगा, तो कह कि 40,000। तो किस चीज़ का लगेगा पैसा, ये किस चीज़ का पैसा मांग रहा तुम्हारा, तुम्हारी कह कि उम्र कम हो गई, कह कि हट गए कह कि नौकरी से कह। अच्छा तो मैंने कहा अभी कहाँ हो गए ना पैसा, तो पैसा देने के बाद क्या होगा, उम्र बढ़ी आएगी। हाँ उम्र नहीं, कह कि पैसा देगा तो कह कि 2 साल की 3 साल बढ़ा देंगे। फिर उन्होंने वो कंप्यूटर वसो देखा करे, उन्होंने फिर कंप्यूटर देखे तो कह कि माई 40,000 देगा तो कह कि 8 साल बढ़ी जाएगा, 40,000 में 8 साल की उम्र बढ़ा देंगे, 8 साल बढ़ी जाएगा। तो ये 7वां महीना चली रही तनख्वाह नहीं, अभी तो हमने कह तो कर्जो कर ही लियो, गरीब भाई ने कहाँ से लाओगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।